हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ एक पीएचडी नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत से सब्जेक्ट्स हैं और आपके अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी आपके राजस्थान की देखने को मिलती है। इसमें आपकी जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है, इसमें आपके काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट वाइज सीट्स अलॉट नहीं की हुई हैं, क्योंकि ये आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब भी आपका कोर्स आपके टाइम पे आपका जब भी आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपकी अलॉट की जाएंगी, उससे पहले नहीं किया है, राइट। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सीट्स देखने को मिलती हैं, तो ये आपका जो RET 2021 के लिए आपकी सीट्स आई हैं। अगर आपके सही इस पूरी लिस्ट में सब्जेक्ट आपका है तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, ताकि आपको सभी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग में करा पाऊँ, राइट। सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या फीस होने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, और उसके साथ साथ आपका एंट्रेंस टेस्ट की डेट क्या होगी, आपका मंथ कौन सा होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या और चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, ये उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर काफ़ी अच्छी जगह भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया रैंकिंग 2020 में आपका 151 से 200 के बीच में आपकी NIRF के द्वारा और MSRD के द्वारा आपका इनको मिला है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रेपुटेड है, और यहाँ पर आप अगर एडमिशन मिलता है तो आप अच्छी रिसर्च करेंगे, ये यहाँ पर रहता है, राइट। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने आपका फैकल्टीज़ हैं, आपके फैकल्टी मेंबर कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी आपकी देखने को मिलती है। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका 16/2/2020 को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपका यहाँ पर इन नोटिफिकेशन आपकी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी कि RET 2021 के लिए आपका आया है। PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिए जाएंगे इसके थ्रू, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही यहाँ पर आपका एडमिशन लिए जाएंगे, ये आप ख्याल रखें, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी जो 17/2/2021 यानी कि 17 फरवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी मार्च 22 आपकी देखने को मिलती है। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जून 2021 में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन लिया जाएगा, डेट और टाइम आपका बाद में बताया जाएगा। इसके लिए आपके जो सिटीज़ हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और दिल्ली आपके सेंटर्स मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आपका वही सेम मिलता है, 55% आपके जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ में है वैसे ही है, और यहाँ पर भी 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। एग्जेम्पशन की बात करें तो आपका यहाँ पर जो भी UGC, CSIR, NET, JRF हैं उनको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से, यानी कि सभी को यहाँ पर एग्जामिनेशन देना होगा, राइट। इसके साथ साथ रिजर्वेशन की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज आपके जो सुपरवाइजर हैं उनके अकॉर्डिंग आपके वैकेंसीज आपकी अलॉट की जाएंगी, ये भी आप ख्याल रखें, और जो रिजर्वेशन है वो आपका राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा हर एक डिपार्टमेंट में, राइट। और जो भी आपका यहाँ पर क्वालिफाइड करेगा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद ही आपके इंटरव्यू में जा सकता है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं एलिजिबल हो, राइट। इसमें मेंशन ऐसा कुछ मिलता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल, EWS और OBC क्रीमलेयर, MBC क्रीमलेयर आप में जो 1500 रुपये फीस होगी, और आपके जो भी PH, SC, OBC या MBC नॉन क्रीमलेयर के लिए 750 आपकी फीस होने वाली है। स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें तो आपके दो एग्जाम्स होंगे, जिनमें दो एग्जाम्स आपके होंगे उनमें 100-100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक नंबर का आपका ईच क्वेश्चन होने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आप ख्याल रखें। पेपर 1 है वो आपका 2 घंटे का होगा, राइट। और जो भी कैंडिडेट आपका फैकल्टी ऑफ साइंस और अर्थ साइंसेज के अलावा यहाँ पर ज्योग्राफी इसमें इंक्लूड रहेगा, इसमें आपका 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और इसमें आपका जर्नल नेचर और इसके साथ साथ जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आपका जांचा जाएगा। और दूसरा जो आपका फैकल्टी ऑफ साइंस और अर्थ साइंसेज है एक्सेप्ट ज्योग्राफी, वो आपका पेपर 1 होगा, उसमें पार्ट A होगा, वो 80 जनरल साइंस क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपकी जांची जाएगी, यानी कि वो भी आपकी मेजर की जाएगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका उनका रहेगा। इसके साथ साथ जो आपका पार्ट A और B इसमें भी डिवाइडेड है, पार्ट
पार्ट जो पेपर टू है वो भी 2 घंटे का होगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे वो वाइज आपके 100 MCQ होंगे, और जो भी आपके यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो भी यूजीसी सीएसआई या नेट का पेपर होता है उसी की तरह ही यहाँ पर भी आपका पेपर होने वाला है। मतलब कि सिलेबस कहने का अभिप्राय ये है कि वैसा ही होगा। आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जर्नल EWS और OBC क्रीमलियर और MBC क्रीमलियर के लिए 50% आप नंबर होने चाहिए, और आपके पेपर टू में भी 50 होने चाहिए, यानी कि 50-50 आपके बोथ में होने चाहिए, और अगर रिजर्वेशन है तो आपका 45-45 होना चाहिए। इस पेपर का आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और जो भी इंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले आपकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ये आपका फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज से, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एजुकेशन एंड लॉ की आपकी सीट्स देखने को मिलती हैं, और इनका जो भी आपका स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किस में कितनी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स रहती हैं। अगर कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी आप एरर आता है या कुछ भी आता है, तो आप इन नंबर्स पे आप कॉल करके, जो भी आपका वर्किंग आवर्स है उस समय आप कॉल करके और इसका समाधान कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था जो कि आपका मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका दिया गया था, और ये आपका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आपको सभी चीज़ें आपकी मिल सकें। इसके साथ साथ आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय